के रुक जाए। दोस्तों ये 3500 की टिकट है फॉर बाइकर्स और कार की 275 की टिकट है, आपको यहाँ से लेनी पड़ेगी। ये देखिए और फिर आप जा सकते हैं पांडु बोर्ड। देखिए जैसा मैंने कहा था, आप सामने नील गाय देख सकते हैं, नर है नील गाय का। और जैसा मैंने आपको बताया था कि नर अधिक सुंदर होता है जानवरों में, तो ये बहुत ही खूबसूरत है नर नील गाय। पानी का एक यह स्रोत है और जहाँ पानी का स्रोत होता है वहाँ देखिए जानवरों की मूवमेंट्स काफ़ी अच्छी रहती है। तो अभी हम एक फॉरेस्ट गार्ड से भी मिले थे, वहाँ ट्रैप कैमरा लगा था, तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर टाइगर्स की अच्छी मूवमेंट है, तो हम ज़्यादा देर यहाँ स्टे नहीं करेंगे। तो दोस्तों ये पहली वाइल्ड लाइफ के हमें दर्शन हुए हैं, दो मादा चीतल। मादा चीतल इनके सर के ऊपर जो है आपको सींग नज़र नहीं। तो ये सामने आप देखिए साइन बोर्ड कैरेकल। कैरेकल इज़ अ वेरी रेयर इंडियन स्मॉल कैट विथ पॉइंटेड ईयर टफ्स। वाइल्ड साइटिंग ऑफ दिस कैट एनीवेयर इन द कंट्री एक्सट्रीमली रेयर। सरिस्का ऑफर्स द ब्राइटेस्ट चांसेस ऑफ सीइंग द इल्यूसिव एंड यूजुअली नॉक्टर्नल कैट। तो नॉक्टर्नल कैट है ये, रात को अधिकतर ये शिकार करती है और निकलती है, तो इसकी साइटिंग के यहाँ काफ़ी अच्छे चांसेस हैं। अभी यहाँ से किसी चीतल की भी आवाज़ आ रही थी। ये देखिए तीन बैठे हुए हैं यहाँ, सांबर मादा सांबर डीर, तीनों बहुत सुंदर बहुत खूबसूरत हिस्ट। अभी मार्च का महीना है तो आप जैसे जैसे ये अभी अप्रैल मई आएगा ये जंगल और सूखता चला जाएगा। ये तीतर हैं, तीन तीतर हमने यहाँ स्पॉट किए हैं। जूम करो, जूम जूम, वो आगे दो पेड़ जा रहा है और तीतर से आगे आपको दिखाऊंगा मैं। ये यहाँ सांभर परिवार, तो जंगल पानी का एक छोटा सा स्रोत है और सुबह का आलम है, तो जाहिर सी बात है सभी जानवर आपको पानी के आसपास नज़र आ रहे हैं और बाघ भी यहीं पानी पीने आते हैं। मैडम आप लोग यहाँ बैठे हो बेखबर, समथिंग रॉन्ग। और अपने कानों को आप देखिए कैसे मूव कर रहा है, आगे पीछे कर रहा है, तो ये ट्राइंग टू अंडरस्टैंड। चला लो भाई पीछे आ गया, धक्का मारेगा। टुडे वाइल्ड लाइफ इज इन रेस्ट, रेस्टिंग मोड।
देखिए दोस्तों, ये सामने जो आप देख रहे हैं, ये हमें पता चला था यहाँ चौकी पर, बताया गया कि कल लैपर्ड ने एक यहाँ गाय का शिकार किया है, और हम खोजते हुए आए तो हमें यहाँ पर ये इसके निशान मिले हैं। देखिए आप, इसका गाय का गोबर भी है और कुछ उसके भीतर के अवशेष भी हैं। तो कल यहाँ पर किल किया है लैपर्ड ने, और ये लोकेशन है सरिस्का के बाहर।